दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। नट क्रैकर्स को देख के मुझे लगता है आपके मुंह में पानी आ गया होगा, जैसे मेरे मुंह में पानी आ गया है नट क्रैकर्स को देख के। ये मेरी सबसे फेवरेट नमकीन है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये हर एज ग्रुप के लोगों को बहुत पसंद होती है। तो चलिए आज हम इसी नट क्रैकर्स की यानी कि मसाला मूंगफली की रेसिपी आपको बनाना बताएंगे। बस इस रेसिपी को आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसमें मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स और इसकी कितनी कितनी क्वांटिटी डाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उससे ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा एंड तक। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अभी रेसिपी बनाना। नट क्रैकर यानी मूंगफली की नमकीन बनाने के लिए मैंने ली है कच्ची मूंगफली के दाने 200 ग्राम। इसमें मैं डालूंगा 100 ग्राम बेसन। बेसन की क्वांटिटी आपने मूंगफली से आधी रखनी है। अगर आप 200 ग्राम जैसे मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं तो आप इसमें 100 ग्राम डालेंगे बेसन। साथ में इसमें मैं डाल रहा हूं कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, और इसमें डालेंगे चावल का आटा 1/2 टेबलस्पून। क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा जितनी मैं बता रहा हूं। लाल मिर्च मैंने ली है इसके अंदर 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। हल्दी मैंने डाली है इसके अंदर थोड़ी सी, यानी कि 1 टीस्पून। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रहा हूं गरम मसाला, वो भी 1 टीस्पून। नमक आप इसमें डाल सकते हैं अपने स्वाद अनुसार, मैं इसमें डाल रहा हूं वो भी 1 टीस्पून। चाट मसाला थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 टीस्पून। और लास्ट इंग्रेडिएंट मेरा अमचूर पाउडर, ये भी 1 टीस्पून। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लगभग आप डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब ये सारा सामान डालने के बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने मिक्स करना है। मैंने लिया है 1 स्पून, 1 चम्मच के साथ इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें अब डालना है पानी। पानी हम इसमें एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। हमने पानी इसमें इतना डालना है कि इसके जो हमारी मूंगफली है इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन जाए हमारी सारे इस इंग्रेडिएंट्स की। थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डालता रहूंगा और इसको हिलाते रहेंगे। अच्छे से हमने इसके ऊपर बेसन हमने चढ़ा देना है ऐसे, देखिए अच्छे से अब इसके ऊपर एक प्रॉपर लेयर चढ़ गई। अभी भी ये देखिए कुछ पीसेस हमारे ऐसे इनकी गांठे सी बन रही है, जुड़ रही है, इसका मतलब थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डालूंगा। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और इसको आपने हिला के अच्छे से मिक्स करना है। लेयर चढ़ानी है अच्छे से बेसन की इसके ऊपर थोड़ा सा। अगर आपको लगता है कि चम्मच के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हाथ के साथ अब अच्छे से एक बार मिला देता हूं, ताकि इवनली सभी मेरी मूंगफली के दानों के ऊपर बेसन की और ये सारे इंग्रेडिएंट्स की लेयर इक्वल चढ़ जाए और ये हमारे चिपके ना आपस में। ये देखिए, हाँ आप इतना ज्यादा ध्यान रखिएगा, कई लोग क्या करते हैं गलती से बेसन का घोल अलग से बनाकर उसमें मूंगफली को डालकर फिर ये नट क्रैकर्स बनाते हैं। उससे लेकिन क्या है, आपके नट क्रैकर्स अच्छे नहीं बनते, वो जुड़े जुड़े बनते हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपके नट क्रैकर्स बनेंगे। और इसमें जो मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और इसमें जो चावल का आटा डाला है ये आप स्किप कर सकते हैं। वो मैंने इसलिए डाला है ताकि मेरे ये नट क्रैकर्स थोड़े क्रिस्पी बने, क्रंची बने। तो ये देखिए प्रॉपरली हमारा, ये देखिए कितना बढ़िया इसका मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है सभी मूंगफली के दानों के ऊपर इवनली। ये देखिए हमारा इसके ऊपर ये सारा बेसन की लेयर लग गई है। अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। फ्रेंड्स, डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गैस पर पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम चेक करते हैं सबसे पहले कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं, इसलिए हम इसमें एक ऐसे नट क्रैकर अपना डाल के देखेंगे। तो अगर ये देखिए तैर के ऊपर आ गया है तो इसका मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम सभी नट क्रैकर्स को ऐसे इसमें फ्राई करने वाले हैं। आपने थोड़े थोड़े नट क्रैकर्स को ऐसे लेकर अलग अलग करके इनको आपने इसमें ऐसे डालते रहना है फटाफट। और आपने
गैस का जो फ्लेम रखना है वो मीडियम से लो फ्लेम पर इनको आपने बनाना है। ऐसे आप फटाफट इनको डालते जाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, वो जो मैंने 200 ग्राम मूंगफली ली थी उसमें से 50% मेरा एक ही बार में ये कढ़ाई में हो गए हैं फ्राई। और इनको जब मैंने फ्राई किया है तो ये देखिए फ्राई करते हुए बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग हो गया है। तो आपने जो मैंने जो तरीका बताया आपको बिल्कुल आपको उसी तरीके को फॉलो करना है, तभी आपके नट क्रैकर्स बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं और बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग बनेगा। और आप इनको बस धीरे 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 ऐसे हिलाते रहिएगा ताकि ये चारों तरफ से इक्वली पक जाए। और देखिए नीचे देखिए गैस में इनको मैं बिल्कुल बिल्कुल ही लो फ्लेम पे बना रहा हूँ। इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है, ज्यादा हाई फ्लेम पर आपने इनको नहीं फ्राई करना है। तो इनको अब हम 1 से 2 मिनट और लगेंगे, जब हल्के से ये गोल्डन ब्राउन कलर में आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब हमारे नट क्रैकर्स बन गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नट क्रैकर्स में थोड़ा सा देखिए कलर, देखिए कितना प्यारा है इनका गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल देते हैं फटाफट ऑयल में से और इनको रख देते हैं हम यहाँ पर टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि इसमें से एक्सेसिव ऑयल सारा निकल जाए। तो ऐसे हमने सारे नट क्रैकर्स को अब निकाल देना है बाहर। अब जो मेरा बाकी का मिक्सचर रह गया था उनको भी मैंने इस तरीके से फ्राई अब कर लिया है। तो इस तरीके से हमारी नट क्रैकर्स की नमकीन बनके हो गई है तैयार। जब भी आपके घर में कभी कोई मेहमान आए आप ये नमकीन बनाइए, बहुत जल्दी बन जाती है और सभी लोग इसको बड़े शौक से खाते हैं। तो देखिए ये हमारे नट क्रैकर्स बन गए हैं यानी कि मूंगफली पकौड़ा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डालूंगा चाट मसाला और चाट मसाला डाल के इसका टेस्ट बहुत ही जायकेदार हो जाएगा। तो अब हम इसको सर्व करते हैं चाय के साथ और इस चाय की चुस्की लेते हैं नट क्रैकर्स के साथ। फ्रेंड्स देखा आपने नट क्रैकर्स की ये रेसिपी बनानी कितनी आसान है। ये मूंगफली पकौड़ा बनाना जितना आसान है उतना ही ये टेस्टी बनता है और टेस्ट इसका बिल्कुल वैसे आता है जैसे कि हम मार्केट से खरीद कर इसे खा रहे हैं। और इनकी सबसे खास बात ये है कि एक बार इनको आप बना के रख लीजिए, ये 3 से 4 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं। जब आपका मन करे मसाला मूंगफली खाने का बस निकालिए और खा लीजिए। तो अब आप इस रेसिपी को घर पर ट्राई कीजिए और फिर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने ये घर पर बनाई कैसी बनी। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के मैसेजेस और नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ और हाँ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। इन्जॉय द नट क्रैकर्स।